तो वहीं देश भर में त्योहारों का सीजन चल रहा है और इस त्योहार के सीजन में अधिक से अधिक खरीदारी भी की जाती है। दीपावली से ठीक पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस पर सबसे ज्यादा सोना और चांदी के आभूषण के साथ साथ बर्तनों की सबसे ज्यादा खरीदारी की जाती है। दुकानदारों का कहना है कि मुस्लिम बहुल्य नू में भी हिंदू समाज की महिलाएं जमकर सोने चांदी के आभूषण खरीदती हैं। इसको लेकर बाजार पूरी तरह से गुलजार है। धनतेरस का त्यौहार ऐसे है कि हमारे हिंदू धर्म में पहले से ही मनाया जा रहा, पूर्व जन्मों से हमारे हिंदू जो धर्म है ये पहले सनातनी ही धर्म है। और ये जो चल रहा है, ये धनतेरस जो मनाया जा रहा, दीपावली जो मनाई जा रही है, ये खुशी के त्यौहार हैं। जब भगवान राम ने लंका में जा कर के और रावण को मार करके, फिर इसके पश्चात दशहरा करने के पश्चात, फिर इसके बाद जो अयोध्या पहुँचे थे, तो अयोध्या में सारे नगर निवासी दीपावली का उत्सव मनाया गया। उसी के आधार पे सारे ऑल इंडिया में, हमारे जो है भारतवर्ष में, दीपावली मनाई जा रही है। धनतेरस 29 तारीख की है और बहुत यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मनती है। खूब सामान बिकता है, सब कुछ माल पूरा ला चुका है। सारा 22 कैरेट का आइटम है, हॉलमार्क का सारा माल आ चुका है। 24 कैरेट के सिक्के, मूर्तियाँ, गिलास, बर्तन, हटरी, सब चीज़ 100% में सारा आइटम बिकता है। पहले टांके का माल बिकता था, वो सब बंद हो चुका है। सारे माल 100% के आते हैं, मूर्तियाँ भी, बर्तन भी, सिक्के भी, सब कुछ आ चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा दुकान पर आएँ, वैरायटी देखें, जब लें सामान।